Hello guys, good morning, welcome back to my channel. आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी पुणे कन्याकुमारी पुणे राइड. आज है डे वन और आज का डेस्टिनेशन है गोवा. तो चलो आज की राइड शुरू करते हैं. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. राइड की शुरुआत अगर अर्ली मॉर्निंग करें तो क्या ही मज़ा आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग सेशन में ही आप सिटी क्रॉस कर लेते हो, तो जो ट्रैफिक का झंझट है, जो धूप का तकलीफ़ है, उस सब से आपका छुटकारा हो जाता है. तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ अराउंड 3:30 क्वार्टर टू 4 फ्रॉम पुणे और चलते हैं अभी. तो हम पहुंच गए ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे. अभी ये हाईवे आगे जाके बेंगलोर हाईवे को कनेक्ट करेगा. तो चलो चलते हैं. दोस्तों ये है वाकड़ एरिया जो पिंपरी चिंचवड़ में आता है. ये एरिया से आगे राइट हैंड साइड में, ये अभी हम लोग बैंगलोर हाईवे पे हैं, सो राइट हैंड साइड में आता है पुना का सबसे बड़ा आईटी हब हिंजेवाड़ी. सनराइज़ से पहले अगर आप राइड चालू कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उजाला होने से पहले ही आप सिटी क्रॉस कर चुके होते हैं. सो बाय द टाइम सनराइज़ हो जाता है तो आप इस कंक्रीट के जंगल से दूर हो चुके होते हैं. देखिए चलते चलते हम लोग कातरच टनल तक भी पहुंच चुके हैं. टनल के अंदर चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है. एक अलग ही साउंड जनरेट होता है जब आप टनल के अंदर से रेव करते हुए जाते हैं. तो चलो मज़े लेते हैं.
लोगों ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर लिए अपने घर से। थोड़ा सा उजाला भी होने शुरू हो चुका है। ये जगह है खंबाटकी घाट का बेस। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं। सो बैंगलोर हाईवे पे मोस्टली आगे बढ़ने वाले यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेते हैं टी स्नैक्स का, एंड देन दे प्रोसीड फॉर देयर डेस्टिनेशन। तो चलो हम भी एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा टी ब्रेक तो बनता है। दोस्तों ये है खंबाटकी घाट, ये ऑलमोस्ट पूना का बॉर्डर पे आता है। खंबाटकी के बाद घाट ख़त्म होने के बाद कुछ किलोमीटर पे सतारा का बॉर्डर चालू हो जाता है। अभी उजाला भी अच्छा हो चुका है और सनराइज़ का भी टाइम हो चुका है। जल्दी ही सूर्योदय होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सातारा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। सातारा के पहले बैंगलोर हाईवे पे राइट हैंड साइड में एक काफ़ी बड़ा कैंपस है जहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस, जनरल कॉलेजेस साइंस कॉमर्स आर्ट्स के काफ़ी सारे हैं एक के बाजू में एक। देख के अच्छा सा लग जाता है। आगे जाके हमें एक राइट टर्न लगेगा,
वो राइट टर्न पे हम लोग बैंगलोर हाईवे छोड़ेंगे और दूसरा रास्ता पकड़ेंगे जो आमोली की तरफ जाएगा, यानी कि हमने अभी महाराष्ट्र से कर्नाटक में एंट्री और कर्नाटक से अगेन हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे और फिर आमोली करके आमोली सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी से हम लोग कनेक्ट करेंगे मुंबई गोवा हाईवे को और फिर वहाँ से हम लोग गोवा में एंट्री करेंगे। आमोली का जो वीडियो है ये हम लोग ने इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है तो आप जाके देखिए, वो भी खूबसूरत रास्ता है, आप ज़रूर इंजॉय करोगे। यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लेंगे और बैंगलोर हाईवे छोड़ देंगे। अभी ये रास्ता जाएगा आमोली की तरफ। इस कॉर्नर पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप रुक के एक ब्रेक ले सकते हैं। मैं तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट कोल्हापुर के बाद एक ब्रेक लिया था, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे गोवा की तरफ बढ़ते हैं। इस रास्ते के दोनों तरफ इस तरह से झाड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप ट्रैवल करते हैं तो दोपहर के टाइम में थोड़ी बहुत छाव भी देती है झाड़। अभी काफ़ी बड़े नहीं हुए हैं बट यह अच्छा इनिशिएटिव है और ये रास्ते पर ड्राइव करने को भी अच्छा लगता है। चलो ऑफ रोडिंग का मज़ा भी ले लिया इस रास्ते पे।
ये शायद कहीं छोटा सा ब्रिज बन रहा है, तो एक बाईपास बनाया हुआ है, आगे जाके ये बाईपास बंद होकर वो ब्रिज से ट्रैफिक चालू हो जाएगा। बट मट्टी पे रास्ते पे चलाने का अपना मज़ा है। आपने सुबह से 400 450 किलोमीटर चला लिया है और आपको ऐसा रोड मिल जाए, आपकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। बहुत तकलीफ़ में ही गाड़ी ये रास्ता क्रॉस किया है, कम से कम 25-30 किलोमीटर ये रास्ता ऐसे ही है, तो मेंटली प्रिपेयर होके आइए अगर आप इस रास्ते से आते हैं। ये शायद अम्बोली और सावंतवाड़ी के बीच में का रास्ता है, काफ़ी लंबा पैच है, ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो बहुत मुश्किल रास्ता है। और हम पहुंच गए हैं गोवा में, गोवा में एंट्री कर चुके हैं और अभी ये इंटीरियर रोड्स में चल रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन है आज के लिए मोरजिम, ये नॉर्थ गोवा में आता है। मोरजिम में एक छोटा सा रिसॉर्ट है जो ट्रिबो ग्रुप के अंडर आता है, ये ट्रिबो ट्रेंड होटल्स में है, जिसका नाम है विलेज सुसागर। तो हम यहाँ पर रहेंगे 2-3 दिन, आज जाके आराम करेंगे, थोड़ा सा मोरजिम एक्सप्लोर करेंगे। कल हम लोग जाएंगे चापोरा पोर्ट, जिसकी वीडियो हम लोग मैं शेयर करूंगा आपको अगले इसमें। तो चलो पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.